यूपी के शामली में कार और मोपेड की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगने से मोपेड पर सवार दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने घायलों को मौके से उठाकर सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत नाजुक चलते जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जबकि कार चालक कार को मौके पर छोड़कर ही फरार हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में लगी है। सर, ये एक्सीडेंट हुआ है, क्या मामला है? आज समय करीब रात्रि में 10:30 बजे एक सेंट्रो गाड़ी और एक मोटरसाइकिल बिककी, इसमें अल्पाइन स्कूल के पास में एक्सीडेंट हुआ है। दुर्घटना में जो है इमरान सनोपुरवाल, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है, एक लड़का सलीम जो गंभीर रूप से घायल है, इलाज के लिए मुजफ्फरनगर रवाना किया गया है। दुर्घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सर, कार वाले गिरफ्तार हैं या फरार हैं? कार और मोटरसाइकिल दोनों मौके पर खड़ी हैं। कार चालक की जो जैसे ही उसमें आएगा संज्ञान में आएगा, गिरफ्तारी होगी। 45 मिनट पर 10:45 में दो व्यक्ति, एक घायल था कलीम सनोफ सलीम और एक मृतक इमरान सनोफ दुबाल, जो कि काशीराम कॉलोनी धानावन के निवासी हैं, जो कि एक बाइक में थे और किसी वाहन से टकरा गए थे, तो इनको अस्पताल लाया गया था, जिसमें कि इमरान को तो मृत घोषित कर दिया गया था और कलीम सनोफ सलीम को, जिनके पैर में चोट संभवतः फ्रैक्चर है, उसको मेडिकल और फर्स्ट एड देने के बाद जिला अस्पताल में रेफर कर दिया।